Hey guys, welcome back to Sankey Vlogger. I hope you guys are doing absolutely great. तो काफ़ी टाइम बाद आज वीडियो आ रही है, वो भी एक फूड व्लॉग है गीता कॉलोनी में सरदार जी के कैंट शोरमा। तो ये जो जगह है ना, ये भी मैंने कहीं यूट्यूब से ही देखी थी और यूट्यूब में इसमें बहुत तारीफ़ें थी शोरमा वाले की, तो मैंने कहा चलो ट्राई करके आते हैं, आपको भी दिखाता हूँ कैसी जगह है। तो ये जगह का नाम है सरदार जी शोरमा पॉइंट गीता कॉलोनी में, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि दिल्ली के जो सबसे बड़े शोरमा रोल होते हैं ना, वो यहाँ मिलते हैं, और कहते हैं कि यहाँ पे दिल्ली के बेस्ट शोरमा होते हैं। तो बस वही एक्सपीरियंस करने के लिए जाता हूँ कि अगर अच्छे होए शोरमा तो अच्छे हैं, नहीं होए तो कोई बात नहीं, आपको भी बता देंगे कैसे हैं। चलो अब वहाँ पहुँच के आपको बताता हूँ कि कैसे शोरमा हैं। हाँ, आज मैं जा रहा हूँ अपने सन्नी आचू के साथ और पापा के साथ, ठीक है? तो सी यू गाइस देयर। सत श्री अकाल भाजी। तो आज हम आपका शोरमा खाने आए हैं। मेरा एक्चुअली यूट्यूब चैनल है सनकी व्लॉगर के नाम से, तो मैंने आपकी सारी कई सारी वीडियोस देखी थी, हैरी उप्पल और साड़ी की दिल्ली, सब कुछ देख के मैं आया यहाँ पे। हम एक्चुअली कीर्ति नगर से आए हैं, तो बस आपके शोरमा के चक्कर में आए हैं कि आपके शोरमा बहुत अच्छे होते हैं, बेस्ट शोरमा होते हैं दिल्ली के। तो बस आप मेरे को बता सकते हैं कि आपका कब से शुरू हुआ और आपने कैसे शुरू किया था? भाई 7 साल हो गए कितने हूँ, 7 साल हो गए हैं। 7 साल पहले किया था शोरमा काम शुरू। 7 साल पहले किया था, तो आपने मतलब यही काम सोचा हुआ था, आप इससे पहले कोई और काम करते थे? मेरा बिजनेस था वाटर पंप का। अच्छा, वाटर पंप का आपका बिजनेस था? इलेक्ट्रिक मोटर का। तो आपको इसका आइडिया कहाँ से आया? ये तो बस ऐसे ही फ्रेंड के साथ गया हुआ था नोएडा की तरफ कहीं खाने। अच्छा, खाने का किसी काम से गया था, पर वहाँ पे किसी का यहाँ खा लिया। अच्छा, खा लिया तो कुछ समझ नहीं आया उसके यहाँ। अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा, तो वहाँ से थोड़ा कंसेप्ट चेंज कर दिया मैंने, कुछ करना है तो ये काम किया जाए। अच्छा, एक्चुअली उन दिनों में फैक्ट्री सीलिंग भी जो थोड़ी फैक्ट्री सील हो गई थी हमारी। अच्छा, वही वाटर पंप की फैक्ट्री सील हो गई थी। फैक्ट्री सील हो गई थी और काम का था नहीं। हाँ, तो फिर यही कंसेप्ट सोचा गया कि कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ अच्छा खिलाया जाए लोगों, उसी के चक्कर में आया हुआ है। हाँ जी, फैक्ट्री खिलाया जाए। आपका मतलब आपका ये मानना है ना कि आप क्वांटिटी ज़्यादा दे के आप दिल जीत जाते हैं, ऐसे लोगों का कहना है कि आप दिल जीत लेते हैं? क्वांटिटी तो है सर, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों यहाँ पे प्रेफर करती हैं। एक्चुअली कहीं भी शोरमा खाया ना मैंने, हाँ जी, उसके अंदर प्याज ही प्याज होते हैं तकरीबन। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को समझ नहीं आया शोरमे का मतलब प्याज होता है या चिकन होता है, मेरे को यही समझ नहीं आया था पहले। आपका मोस्टली ज़्यादा चिकन डलता है? तो आपकी स्पेशलिटी क्या है? हम मतलब आप अगर इतनी दूर से आए तो आप हमें क्या खिलाना चाहोगे? सर मैं या तो स्पेशल शोरमा रोल या चिकन हैम शोरमा सैंडविच, ये दो चीज़ें प्रेफर करूँगा मैं। ठीक सर, आप दोनों बना दीजिए हम। तो जैसा कि आप इन पाजी ने बताया कि इनका सबसे बेस्ट है स्पेशल शोरमा रोल और चिकन हैम सैंडविच, तो अब हम वही ट्राई करेंगे। तो बस पाजी बना रहे हैं तो हम ट्राई करते हैं, अब आपको बता दो कि कैसा। चिकन हैम, चिकन हैम, चिकन हैम, चिकन हैम जो जो हमने। हाँ, ओके, लोगे थिंकिंग हैम दे। हाँ, सारे लोगे थिंकिंग होते बोल देंगे थोड़ी। तो ये चिकन हैम है, ठीक है ना, कि कुछ और। तो ये पूरा शोरमा जो है वो ब्रेड पे जा चुका है, और पहले थी हैम वाली ब्रेड, उसके ऊपर आया हैम और फिर आया शोरमा, अब है ये स्पेशल मेयोनीज जो कि बहुत स्पेशल होती है यहाँ पे। अब ये सलामियाँ जा रही हैं। अभी आ गया दोबारा हैम वाली ब्रेड, अब इसको हो जाएगा ग्रिल। ये देखिए, हाँ 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 हाँ, मज़ा आ गया, मौज मौज आ गई, मौज। सर ऑलिव ऑयल यूज़ करता, रिफाइंड यूज़ नहीं करता। अच्छा, ऑलिव ऑयल है, कोई रिफाइंड नहीं। तो ये जो ऑयल डाला है ना, ये सिर्फ ऑलिव ऑयल है, कोई रिफाइंड यहाँ पे यूज़ नहीं होता, ठीक है? बहुत
फैट फ्री है, यहाँ का मेन मोटिव है फैट, फैट ख़त्म करना बिल्कुल। जो शोरमा का पहले था ना सारा फैट वो ऑलरेडी ये निकाल दिए, देखो सारा ये सारा फैट शोरमा का ऑलरेडी निकाल रखा है, बस अब ट्राई करना, बहुत ज़रूर लग रही है, मज़ा आ रहा है खाने। तो अब शोरमा रोल हमारा तैयार हो रहा है, देखो कितना शोरमा डाला हुआ है इसमें, तभी सर आप चम्मच साथ देते हो, शायद जरूरत पड़ेगी है नहीं। शोरमा के साथ चम्मच कोई नहीं देता यहाँ पे, शोरमा के साथ चम्मच जरूर दिया जाता है कि विदाउट चम्मच खाया नहीं जाएगा। देखो कितना मोटा शोरमा है, और ये स्पेशल शोरमा है यहाँ का, सिर्फ इसी के लिए यही जगह फेमस है, मज़ा ही आ गया यार। मौज, अब हमारा रोल भी आ चुका है, अब हम सैंडविच और रोल बस ट्राई करके आपको बता दो कि कैसा रोल है, अच्छा ही होगा क्योंकि देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। चलो बाय। तो पहले करता हूँ सैंडविच ट्राई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑसम सा लग रहा है यार, मतलब बहुत वैसे ही डाइट वाला खाना है ये तो। प्याज बहुत कम है, बहुत कम प्याज है इसमें, सिर्फ चिकन चिकन मुंह में आया है, ठीक है। और एक बाइट इसमें इतनी हैवी है क्योंकि इसका जो मेयोनीज और चटनी का फ्लेवर है ना वो बहुत ऑसम है, मज़ा आ गया यार, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा सैंडविच है। तो सैंडविच अभी इतना ही खाते हैं, शोरमा बताते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब शोरमा इतना बड़ा है, ठीक है, अब एक इसमें तो सारा टपकेगा, देख लेना, ये देखो अभी से टपकना शुरू हो गया, इतना चिकन है इसमें भरा हुआ, बोल रहा तभी चम्मच देते हैं साथ में खाने। बेस्ट शोरमा ऑफ दिल्ली, बेस्ट, मैं आज तक ऐसा कभी शोरमा नहीं खाया, पतले पतले से होते हैं इतने इतने से शोरमा, और वो भी बेकार 50 रुपये के, लेकिन ये 100 रुपये का, और इतना बढ़िया शोरमा है ना, कसम से बहुत बढ़िया। देखो चम्मच इसलिए दे रखा था कि हम चिकन खा सकें, चटनी इनकी खुद की बनाई हुई और चटनी बहुत ऑसम है। बहुत बढ़िया, आता जाता रहूँगा यहाँ। देख रहे हो, अरे बाप रे, हाँ खाना है, खाना है, हमने खाना है, पैक नहीं करना। साइज देखो बर्गर का, ठीक है, ये सलामी शोरमा बर्गर है, ये साइज देख लो आप, कितनी मोटी सलामी जा रही है ना इसमें, कितना मोटा शोरमा जा रहा है भाई साहब, मतलब मज़ा सा आ गया यार। बहुत बढ़िया यार, बेस्ट बर्गर, बेस्ट शोरमा बर्गर, एक तो इतना बड़ा है, देखो वो देखो आप इसकी घिराई कितनी है, इसमें इतनी मोटा पीस है सलामी का, ठीक है, फिर शोरमा, फिर एक और सलामी, तो
इसको भी चम्मच से खाना पड़ेगा। लो बेटो, बहुत बढ़िया शोरमा था यार, बहुत बढ़िया शोरमा, मज़ा आ गया। मतलब आज से पहले इतना अच्छा शोरमा मैंने कभी खाया नहीं है। और ये माइक की जो दिक्कत है ना, मैं कॉर्डलेस ले लूँगा थोड़े टाइम में, जो हाथ में पकड़ना पड़ रहा है बार बार। अब मैं बस घर के लिए पैक करा रहा हूँ। मैं तो आधा सैंडविच पे खा के पेट भर गया। मैंने शोरमा एक बाइट लिया, मैंने सैंडविच मेरे बहुत पसंद आया। मेरी तो जिम बाइट है। इनका देखो जिम हो गया। जिम डाइट हो गया। तो अब इनका जो एड्रेस है ना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा इनके गूगल मैप्स का, और इनका सारा एड्रेस भी डाल दूंगा। और आप आइए यहाँ पे खा के। तो पेट फुल हो चुका है बिल्कुल, अब और कुछ नहीं खा सकता, मतलब सीधा ब्रेकफास्ट ही होगा। और अगर आपको यहाँ आना है, थोड़ा सा दूर है कीर्ति नगर से, जो मेरा घर है वहाँ से थोड़ा दूर है। और अगर आपको यहाँ आना है, मैं इसका जो गूगल मैप्स का लिंक होगा ना, मैं इसमें डाल दूंगा। तो बहुत अच्छा है, मतलब आप आओगे तो आपको इतना डिस्टेंस लगेगा नहीं कि भाई, वर्थ इट है, बहुत अच्छा था। अब ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना, एक्चुअली फर्स्ट फूड ब्लॉग है प्रॉपर, ठीक है, इसमें कोई ट्रैवल नहीं कर रहा मैं, कुछ नहीं कर रहा, फर्स्ट फूड ब्लॉग है, तो थोड़ी हिली डुली आई होगी और DSLR से भी है, तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर कर देना, ठीक है। इट्स योर बॉय संकी ब्लॉगर, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। बाय।